नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और खास वीडियो में। खास इसलिए क्योंकि इस बार ये वीडियो पर्यूषण के विषय में है। पर्यूषण पर्व कैसे मनाएं और किस तरीके से हमें मनाना चाहिए इसके बारे में बड़े आराम से आपको हम बताते हैं। उसके पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे सारे वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों पर्यूषण पर्व का दूसरा नाम दशलक्षण पर्व भी है। इसको दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है क्योंकि दशलक्षण पर्व ये दश धर्मों के ऊपर इसका नाम दशलक्षण है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं और इन 10 धर्मों के लिए इसका नाम दशलक्षण पर्व भी कहते हैं और आगम में इसको दशलक्षण व्रत नाम से कहा जाता है। पर्यूषण जो है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं इसको पर्यूषण कहना चाहिए या दशलक्षण कहना चाहिए। आप दोनों ही बोल सकते हैं क्योंकि दशलक्षण है, 10 दिनों का होता है और इसमें 10 धर्म के बारे में बताते हैं, तो इसलिए ये दशलक्षण हो जाता है। और दूसरा पर्यूषण इसलिए क्योंकि एक परिभाषा आई है, परिसमंतात उष्यन्ते दह्यन्ते पापकर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम्। ये संस्कृत की परिभाषा है। इसका अर्थ ये है कि चारों तरफ से जहां पर कर्मों को जलाया जाता है उस जिस पर्व में उसे पर्यूषण कहते हैं। तो इस पर्यूषण में हम लोग तप साधना करते हैं, उपवास करते हैं और बुरे कर्मों को जलाने की कोशिश करते हैं। मीन्स हम ये कोशिश करते हैं कि हमने जो अभी तक पाप किए हैं वो कैसे नष्ट हो, उपवास तप साधना के माध्यम से नष्ट होंगे। तो इसलिए ये पर्यूषण पर्व वैसा ही है, इसीलिए इसका नाम पर्यूषण है। दूसरा ये है कि हम पर्यूषण पर्व के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। पर्यूषण पर्व के पहले हमें तैयारी ये करनी चाहिए कि हम अपने घर में जो कुछ भी काम करते हैं उनमें ये देखें कि कौन से काम हमें करने योग्य हैं पर्यूषण में। या जैसे मान लो अगर आप कोई बीमारी है आपको, तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि पर्यूषण के बाद हम ये काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने काम को पर्यूषण में, कोई भी ऐसा ना हो कि आपको कोई परेशानी हो या कोई काम आपका अटक जाए, तो ऐसी आप तैयारी या अपना ऐसा शेड्यूल सेट कर लीजिए जिससे आपको पर्यूषण में अच्छे से आप तप साधना कर सकें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरा यह है, और तैयारियां ऐसी हो सकती हैं कि पर्यूषण में हम लोग जो कुछ भी, अधिकतर लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग एकाशन करते हैं, मतलब एक समय भोजन करते हैं। तो एक समय भोजन करते हैं उसमें भी आपको शुद्ध भोजन करना है। तो घर में आप मसाले वगैरह जो हैं उनको शुद्ध कर लीजिए। घर में आपको भोजन जो बनाना है उसके लिए आप शुद्ध तरीके से बाजार के मसाले, बाजार की चीजों का कम उपयोग करें। और जो जमी कंद है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, इन चीजों का प्रयोग नहीं करें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और हमने आपको कुछ लिंक दी है कुछ रेसिपीज की जो कि पर्यूषण के लिए काफी ठीक है और उसमें आलू, प्याज, लहसुन, इन चीजों का प्रयोग नहीं होता है। और भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको रेसिपीज मिल जाएंगी जो कि पर्यूषण के हिसाब से बहुत अच्छी हैं और आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये तैयारी आप कर सकते हैं कि आपके जो आपके जहां पर भी आप रहते हैं कॉलोनी में या जिस मंदिर में जाते हैं वहां पर अगर आपके आसपास में कोई महाराज हैं तो आप, मुनिराज हैं तो आप उनके पास में जाइए, कोई आरिका जी हैं, साध्वी जी हैं तो आप उनके पास जा करके और 10 दिनों तक तप साधना कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने यहाँ पर कोई पंडित जी को या कोई जैन स्कॉलर है, कोई विद्वान है, आप उनको बुलवा करके उनसे आप प्रवचन करवा सकते हैं और वो आपको 10 धर्मों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आपको 10 धर्मों के बारे में पता चलेगा तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ, ये 10 धर्म मेरे अंदर भी होने चाहिए और मुझे भी इनका पालन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये एक तैयारी है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि पर्यूषण है और पर्यूषण मतलब ये होता है कि इसमें आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। अगर सैटरडे संडे हो जाता है तो हो सकता है एक दो छुट्टियां मिले, नहीं तो मुश्किल ही है कोई छुट्टी मिल पाए। तो ऐसे में आपको, जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि आप लोग कुछ 10 दिन के लिए अपना शेड्यूल थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जैसे अगर आप दिन में, अगर आप कॉलेज रहते हैं तो सुबह आप जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके आप अपना मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, ऐसे आप सुबह जाकर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये तो सुबह का हुआ। जब आप कॉलेज से आए या कोचिंग से आए, जहां भी आप हैं,
उसके बाद फिर शाम के समय आप मंदिर में जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण और प्रवचन, तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं धर्म से दूर हूँ, धर्म से आप जुड़े रह सकते हैं, तो ये एक तरीका है। और दूसरा ऐसे ही सेम है कि जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस में भी आपको लगातार 10 दिनों की छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 दिनों के लिए आप जैसे बीच में सैटरडे संडे है तो उसमें तो आपको छुट्टी रहती है, उसके अलावा आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठिएगा और वैसे ही सेम मंदिर में आप जाकर के अभिषेक पूजा पाठ कर सकते हैं, शाम को फिर आप आकर के अपना प्रतिक्रमण स्वाध्याय तप साधना ये सब आप कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है काफी अच्छे तरीके से। और जो लोग बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में हैं, जैसे कोई मुंबई में है, दिल्ली में है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में जाकर के पता कीजिए, बहुत सारे मंदिर वालों ने या वहाँ की जो कमेटी होती है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की गई होती है, जो बाहर से वो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो कोचिंग जाने वाले, तो उनके लिए काफी अच्छी व्यवस्था की जाती है वहां से, तो आप वहां जाकर के वहां का आप खाना ले सकते हैं, वहां का भोजन कर सकते हैं। आप मैस का भोजन 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर आपको उतनी शुद्धता नहीं मिल पाएगी जितनी वहां पर मिल जाएगी, तो ये एक काम काफी अच्छा हो सकता है। उपवास करने वाले लोगों से मेरा कहना है कि आप अपना उपवास जब भी करें, बेला कर रहे हैं, तेला कर रहे हैं, तो वो लोग भी ऐसे में अपने आप को थोड़ा सा स्थिर बनाए रखें, इसलिए क्योंकि ये गर्मी का माहौल है और गर्मी बहुत होती है, अभी आप देखिए मुझे भी काफी पसीना आ रहा है, तो आपको भी ऐसे गर्मी में ना आप उपवास कर रहे हैं, काफी तप साधना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, जैसे एक दिन एकाशना कर लिया या एक दिन भोजन कर लिया, अगले दिन आप उपवास कर लीजिए, तो ऐसा करके काफी मतलब शेड्यूल वाइज अगर आप इसको सेट कर लेंगे तो आप आराम से आपका पर्यूषण चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी बीच में, तो ये आप कर सकते हैं। साथ में पर्यूषण के समय में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या नहीं करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं है, तो आप ऐसे काम नहीं कीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मतलब आप ऐसे काम नहीं कीजिएगा जिससे ज्यादा हिंसा होती हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म ये बताया गया है, अहिंसा परम धर्म है, तो ऐसे काम नहीं करना है हमें जिनसे हिंसा ज्यादा होती है, और अपने आप को बहुत साधनों में कम उलझाना है, आप अगर ज्यादा टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं तो आपको वो कम कर देना है, अगर आप जैसे मोबाइल में ज्यादा या सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं तो वो भी आप कम कर दीजिएगा, या मतलब उसको रोक दीजिएगा 10 दिनों तक, तो ये सब आप कर सकते हैं, और जमी कंद का त्याग कर दीजिएगा, तो ये सब आप नहीं कीजिएगा, रात्रि भोजन मत करिए, तो ये सब पर्यूषण के लिए मतलब बेसिक चीजें हैं, इनको हमें करना ही चाहिए, तो ये सब करके हम पर्यूषण पर्व में इस तरीके से अपने आप को स्थिर बना सकते हैं और धर्म से जुड़े रह सकते हैं। तो हमारी तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ में ये भी हमें कमेंट में बताइएगा कि आप अपने पर्यूषण पर्व में क्या करते हैं, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज रहती हैं, और पर्यूषण के 10 दिनों में, दशलक्षण व्रत के 10 दिनों में आप क्या क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं, तो आप भी हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा करके, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय जिने।